बड़े खबर पर बने हुए हैं। यूपी राज्यसभा के लिए बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम का पर्चा वैध करार दे दिया गया है, जबकि प्रकाश बजाज जो निर्दलीय जिसको समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही थी उनका पर्चा खारिज हो गया है। सीधे रुक करते हैं शैलेश अरोड़ा का। आपने बात की प्रकाश बजाज से, वो कह रहे हैं मैं लीगली ठीक हूं, लेकिन अब इस बात का क्या मतलब रह जाता है जब रिटर्निंग ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, चाहे आप प्रकाश बजाज कुछ भी कहें, भले ये कहें कि वो इलीगली ऐसे ऐसा हुआ है, लेकिन ये साफ है कि बसपा को राहत मिल गई है, चुनाव नहीं होंगे। ये वो कटु सत्य कह सकते हैं जो सच है, जो सबके सामने है कि यानी बसपा को राहत मिल गई, रामजी गौतम का पर्चा वैध हो गया, वो राज्यसभा जा रहे हैं यूपी से, यूपी में चुनाव नहीं हो रहा है, सभी लोग निर्विरोध चुने जाएंगे। ये वो फैक्ट्स हैं अब जिनको मानना पड़ेगा। प्रकाश बजाज अब चाहे कहीं पर भी अपील करें, फिलहाल उन्हें कब कैसे क्या राहत होगी वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो तय है। प्रकाश बजाज ने यह भी साफ कहा कि उनको समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन था, और इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि कोई युवा चुनाव में आगे आना चाहिए, तो यानी ये साफ हो जाता है। दूसरी चीज, उनके पर्चे पर जो भाजपा लिखा गया उसके लिए भी उन्होंने साफ कहा कि वो एक बिल्कुल अब कोई भी दलीलें दे, पर अब हकीकत तो यही है कि उनका पर्चा खारिज हो चुका है और निर्विरोध रूप से अब राज्यसभा के लिए बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम आगे होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर से जुड़ी अपडेट आगे भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल एक ब्रेक।